नई शिक्षक भर्ती के आसार कहां तक हैं और बीएड वालों के लिए खुशखबरी है, यूपी टेट की विज्ञप्ति आते आते रह जा रही है क्योंकि नया आयोग ही नहीं बनाया, तो फिर विज्ञप्ति का कहां से क्या रोल होगा, सुपर टेट की भविष्य कहां तक दिख रहा है, क्या इस वर्ष के अंत तक शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिल जाएगी अगर प्राइमरी की बात करें, माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं को टीजीटी पीजीटी की बात कीजिए, परीक्षाएं कब तक होंगी, ऐसे बहुत सारे सवाल आप सभी के जहन में और आप सभी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे पूछा था, इलेनी भी दुर्गेश की टीम से पूछा था, तो सभी सवालों के जवाब हम लेकर आए हैं और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कॉपी कलम की जरूरत नहीं है, आज केवल सुनना है, और अगर आपको लगे कि नहीं वीडियो काम का है अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड वालों के लिए खुशखबरी क्या क्या है। पहले तो ये जान लीजिए कि नया आयोग गठित होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है, अधियाचन लगभग लगभग पूरा हो चुका है, पदों का ब्यौरा भी जुटाया जा चुका है, तो एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी भी है और कई चीज़ें एलटी ग्रेड से जुड़ी हुई हैं जो हम आगे की वीडियो में बताएंगे। अगर आप कहेंगे तो एलटी ग्रेड के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे जहाँ पर हम पूरा एलटी ग्रेड की प्रीवियस जो मतलब इसकी पहली परीक्षा हुई थी 2018 में उस परीक्षा को जोड़कर बताएंगे क्या कटाव रहा, क्या भर्ती रही, किन किन पदों पर पद ही खाली रह गए क्योंकि लोग क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, तो इस सारी चीज़ों को हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट और साफ हो गया है कि एलटी ग्रेड के लिए जो अंदर आयोग के अंदर खबर है, हलचल जो थोड़ी तेज हो चुकी है, जल्द ही आप लोगों को एलटी ग्रेड देखने को मिल जाएगा जिसमें केवल बीएड के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं और अन्य अभ्यर्थी नहीं। दूसरी बड़ी खबर है बीएड वालों के लिए कि जो बीएड अभ्यर्थी महिला है वह कस्तूरबा गांधी में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें पुरुष नहीं कर सकते और डीएलएड बीटीसी की महिला अभ्यर्थी भी अप्लाई नहीं कर सकती, केवल केवल बीएड की जूनियर टेट पास यूपी टेट पास महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तीसरी खबर बीएड वालों के लिए क्या है, बीएड के अभ्यर्थियों के लिए कि खंड शिक्षा अधिकारी, जी हाँ, खंड शिक्षा अधिकारी जो प्रत्येक जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में एक खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिनके देखा जाए तो उस ब्लॉक के अंदर जितने विद्यालय होते हैं उनके अधिकारी होते हैं, वो उसकी भी अधियाचन शुरू है और जल्द ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप उसकी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। हो सकता इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के प्रारंभ तक, मतलब चुनाव के आसपास आपको खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती देखने को मिल सकती है। इस भर्ती की अगर पद संख्या की बात की जाए तो पद संख्या ज्यादा नहीं आते, पद संख्या 200 से 250 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, पद संख्या कम है, लेकिन इसके जो पावर है वो शायद एक अधिकारी का सपना आपका पूरा कर सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, टीजीटी पीजी तैयारी कर रहे थे, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इससे आपका सहयोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए होगा क्योंकि वहाँ पे जीएस का सबसे अहम रोल होता है, जीएस हिंदी। इसमें एंट्री भी नहीं होता, उसके लिए भी हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको खंड शिक्षा अधिकारी जुड़े हुई जो चीज़ें हैं उसको हम बात करेंगे आप अगर चाहेंगे तो, क्योंकि वह इस वर्ष के अंत तक या मुझे लगता है 2 से 3 महीने में भी माननीय आयोग के माध्यम से या भी अधियाचन की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है इस पर भी भर्ती की जो कयास है वो तेज हो रही है। अभी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मामला जो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ऑर्डर आने के बाद अभ्यर्थियों के लिए कहीं खुशखबरी होगी, कहीं खुशी, कहीं गम, कहीं बीच के रास्ते निकल सकते हैं, दोनों के लिए हो सकते हैं, तो उसके बाद ये भर्तियां देखने को क्रमवार रूप से मिल सकती है, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको देखेंगे चुनाव के आसपास। ये था बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। दूसरी बात यह है कि बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए क्या कोई खुशखबरी है, क्योंकि वो भी 2 वर्ष का परीक्षण लेते हैं लेकिन वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की आवेदन कर पाएंगे, कहीं ना कहीं जो डीएलएड भर्ती हैं जब छोटी छोटी भर्ती आती है और उनमें आवेदन नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए भी है कि केवीएस पीआरटी का परिणाम इसलिए नहीं जारी कर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व और ऑर्डर आने वाला है, इसके नाते केवीएस प्राइमरी पीआरटी की जो फाइनल रिजल्ट है, इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं उनके लिस्ट नहीं जारी कर रहा, तो कहीं ना कहीं बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी इस या बीएलएड के अभ्यर्थी इस बात में है कि हो सकता है कि राजस्थान के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रिपीट कर दे या बहुत सारे से कैश लोग लगा रहे जो कमेंट माध्यम से कमेंट करते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा इसमें आपकी क्या राय, क्योंकि आप भी इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को देख रहे हैं, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो हाई कोर्ट के जजमेंट की तरह है या कहां तक जा सकता है, उस पर आपकी क्या फीडबैक क्या रहा है कमेंट करके दीजिएगा। अगला जो सवाल आपका था कि यूपी टेट से जुड़ा हुआ, क्या यूपी टेट परीक्षा होगी, तो मैंने पोस्ट मेरे पास एक वायरल मैसेज था और मैंने ट्विटर पे चेक किया, बेसिक शिक्षा डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट हुई थी सुबह सुबह जो जिसमें कहा गया था अगस्त में यूपी टेट परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। तो मैं भी कई बार कहता रहा हूँ कि चुनाव से पहले आपको यूपी टेट, सुपर टेट देखने को मिल सकते हैं, हम उम्मीद लगा रहे हैं, संभावना है, लेकिन अभी तक नया आयोग नहीं बना है, तो सबसे पहले इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठने लगेगा कि जब तक नया आयोग नहीं बना है तो यूपी टेट परीक्षा कहां से हो पाएगी।
ये कहीं ना कहीं सबके मन में सवाल, क्योंकि जब नया आयोगी शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीटेट परीक्षा कराएगा तो फिर हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं। तो यहां पर एक बात साफ और स्पष्ट हो गई सभी अभ्यर्थियों के लिए कि मैंने भी इस बात पर कहा था कि हाँ एक बात तो साफ हो गई है कि जो यूपीटेट है ना वो चुनाव से पहले सुपर टेट तक की जो राह है वो आसान हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है 2018 में भी या 2017 में भी जब यूपीटेट हो जाता है, जब भर्ती सामने होती है, आपको 2 से 3 महीने का समय मिल पाता, ज्यादा समय नहीं मिल पाता, आप रिविजन करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे कि सिलेबस पूरा करेंगे, समय ही नहीं मिल पाता, और कुछ अच्छे अभ्यर्थी भी इसमें बच जाते हैं और कुछ अच्छे अभ्यर्थी निकल भी जाते हैं। तो अब यह जो रास्ता जो राह है वो आपको एकदम साफ स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लेके तैयारी तेजी से चल रही है और माननीय सरकार अब इसको लेकर काफी सजग और महसूस कर रही है, लेकिन बस दिक्कत यह कि जब तक नया आयोग नहीं होगा तब तक यूपीटेट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए इस माह के अंत तक या अगले माह के प्रारंभ तक माने जून तक आपको उत्तर प्रदेश में आयोग देखने को मिल सकता है, जो आयोग गठन की बात चल रही है, 1 महीना और मान सकते हैं कि आयोग गठित होने के बाद उसकी जो पूरा ऑफिस है, उसका जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन, उस पर भी समय लग सकता है, लेकिन वास्तव में जो आने वाला अगस्त सितंबर का समय है ये आप सभी के लिए स्वर्णिम है। इसलिए जो भी साथी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो अभी से लग जाए। यूपीटेट जूनियर प्राइमरी दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग का मानना है सर मैं तो सीटेट यूपीटेट पास हूं, मुझे क्या देना चाहिए, नहीं ये आपका व्यक्तिगत विचार है, बड़े चार नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं तरह तरह के, लेकिन जब तक विज्ञप्ति नहीं रही तब तक नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन अधिकतम अंग के लिए सभी प्रयासरत होते हैं, हम चाहेंगे आप भी प्रयासरत रहें, खुदा न खास्ता क्या हो सकता कोई नहीं जानता, आप अपना बेहतर और बेस्ट देते रहें। दूसरी बात यह है कि सुपर टेट को लेकर, शिक्षक भर्तियों को लेकर, क्योंकि नया आयोग पर ही शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है पूरी टिकी हुई है, एक सवाल यह आ रहा है कि इस बार शिक्षक भर्ती में जो प्राथमिक की होगी डीएलएड बीटीसी बीएलएड के अलावा बीएड को भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा सवाल कमेंट के माध्यम से आया था और आपके भी मन में जहन में हो रहा होगा, तो जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस बात पे, भाई आपका क्या राय है, क्योंकि इस पर से जो सारी चीजें हैं वो आने वाले जुलाई में पूरी बादल साफ हो जाने वाले हैं, पूरे भारत से बीटीसी बीएड का जो मामला चल रहा था उस मामले से पूरी तरह से पर्दा उठने वाला है, और हम और आप ये चाहेंगे कि आप सभी के लिए हित में और बेहतर फैसला है। तो आने वाला जो समय है ये भर्ती का साल होने वाला है, क्योंकि आपने देखा अलग अलग आयोग के माध्यम से, स्टोनोग्राफर है, सीजीएल है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग पदों के माध्यम से, अलग अलग विभागों में पद की ब्यौरे के साथ साथ पद की विज्ञप्ति भी क्रमवार रूप से हो रही है। तो इसलिए इस लिहाज से एक बात हमें और आपको भी समझना चाहिए, जो उन्होंने 2 वर्षीय प्रशिक्षण लिया है, टेट और सीटेट पास है, एक शिक्षक भर्ती परीक्षा की याद तैयारी कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, उनको हर संडे को इस तरह की बातें सुनने को मिलती होगी, वो शिक्षक भर्ती नाम सुनते सुनते पक गए होंगे। हर बार की तरह मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा और मैं फिर ये कहूंगा कि आप अंत तक लड़िएगा, जब तक युद्ध के मैदान में हार न जाए, बिना युद्ध लड़े कभी हार मत मानिए, और यकीन मानिए एक दिन जब आप सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बन जाएंगे आप इलाही भी दुर्गेश को जरूर याद करेंगे कि जब मैं टूट रहा था तब दुर्गेश सर ने संभाला और ये बताया कि भर्ती जरूर आएगी, देर आएगी लेकिन भर्ती जरूर आएगी, पद कम होंगे लेकिन भर्ती जरूर आएगी। इसलिए मैं फिर से आपको वही बात दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की आस अभी भी है, उम्मीद है, और इसी उम्मीद के नाते तो आपने बीटीसी डीएलएड बीएड और डीएलएड बीएलएड किया था, इसी उम्मीद से आपने टेट पास किया था कि कल को आप सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनेंगी। तो आज आप क्यों टूट रहे हैं, बेशक भर्ती में देरी हो रही है, ये यूपी का इतिहास रहा है कि बड़ी भर्ती के बाद एक गैप मिला है, इस बार गैप ज्यादा हो रहा है, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो रही है, टेट पास अभ्यर्थी हो रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारे और आपके परिवार में, मैं भी होता तो मैं भी टूट जाता, लेकिन बस एक ही है कि बस अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है, परिवार के सपने को साकार करना, तो हम और आप लड़ रहे हैं तो आप भी लड़िए। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके लेने में दुर्गेश जुड़े रहिएगा, मेरी निःशुल्क क्लासेज आपके लिए डे बाई डे आ रही है। इसके अलावा 2 और यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश सर, जिस पर अभी वीडियो क्लासेज चली और भी आगे चलेंगी, इस पर सुपर टेट यूपीटेट प्रॉपर फोकस है उस पर, और अगर आप चाहेंगे तो जिस हिसाब से कहेंगे उस सब्जेक्ट की भी क्लासेज चलेंगी। प्रतिदिन रात 9 बजे हम हिंदी की सीरीज ला रहे हैं और कल से शाम के 7 बजे हम आपके लिए पर्यावरण की स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं, पर्यावरण जीएसजी की विविध एक स्पेशल सीरीज होगी जो यूपीटेट प्राइमरी जूनियर साथ ही साथ आपके आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा इनको टारगेट करके सीरीज होगी। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें, लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें,
इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई व्यक्तिगत प्रश्न हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके कोई और सवाल है तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। चैनल पर हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपके जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उसकी वीडियो लेकर आते रहते हैं, उस पर भी अपना रिएक्शन दीजिएगा, अपने सवालों का जवाब देते रहिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। बीएड के लिए खुशखबरी से आप कितना खुश हुए, आने वाले में यूपी टेट को लेकर आप क्या उम्मीद है, आपको कब लगता है यूपी टेट कब तक हो पाएगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा चुनाव के आसपास होगी, चुनाव बाद होगी या अगले विधानसभा चुनाव के आसपास होगी, आपको इसमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है तैयारी करनी चाहिए, सारी किताब का भी बंद करके रख देना चाहिए पढ़ने, क्योंकि जब परीक्षा की डेट क्लियर होती है तो उसमें समय मिल पाता है, नहीं मिल पाता। आप ऐसे शिक्षक के रूप में, अगर मैं आपका स्टूडेंट होता या मैं आपके घर का होता, मेरे अभिभावक होते, तो आप मुझे क्या सलाह देते, अगर मैं 2 साल बीटीसी डीएलएड बीएलएड करके टेट सीटेट पास हो गया होता तो आपका सुझाव मेरे लिए क्या होता, वही सुझाव आज आप इस वीडियो के माध्यम से दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं दुर्गेश के तो लाइक करिएगा, पेज को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, लेकिन वीडियो को ज्यादातर शेयर करिएगा। प्रतिदिन सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज चल रही सुपर टेट विद दुर्गेश सर पर, तो यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा, आपके यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथी यूपी स्पेशल की जो सीरीज है वो जाकर पढ़ सकते हैं, प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपके लिए ई-लर्निंग स्टडी विद दुर्गेश पर लाइव हो जाती है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रह सकते हैं। हम आपके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। फिर से मैं कहूंगा वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सवाल जो होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल से डेली क्लास में, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी, और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367, 7355179012।